सर ऐसे कितने साइज की जो ब्रिक्स हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एंड हियर इट्स कम्प्लीटली वाटर। राइट नाउ अभी मैं पहुंच चुका हूँ इस चर्च के पास, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, सो दिस इज द चर्च। तो थोड़ी आगे और चलते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम लोग जो है शेटली चर्च के पास पहुँच चुके हैं। सो जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो चर्च है वो लोकेटेड है इन हासन, सो यू कैन सी दिस चर्च। तो जैसे कि आपने अभी देख लिया होगा चर्च, तो जैसे आपने चर्च देखा तो आपको थोड़ी आइडिया आ गई होगी। दिस चर्च इज लाइक हाफली सबमर्ज्ड इन द वाटर, तो इसके पीछे का रीज़न भी है। सो बेसिकली मैं आपको इस चर्च के बारे में बता देता हूँ। तो ये चर्च जो है इट वॉज बीन बिल्ट ड्यूरिंग 1860 बाय फ्रेंच मिशनरीज जो यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने जो है इस चर्च को जो है यहाँ पर बिल्ड किया था, सो ड्यूरिंग दी 1860। तो फिर जैसे ही जो चर्च बन गया था, सो आफ्टर दैट यहाँ पर जो आप रिवर देख रहे हो, सो यू कैन सी बिहाइंड मी, सो दिस इज हेमावती रिवर, एंड यहाँ पर जो है हेमावती रिजर्वायर है जो कि है डैम। सो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इन 1960, सो दिस चर्च विल गेट सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो वेन एवर द वॉटर कम्स ओवर दिस एंटायर चर्च गेट सबमर्ज्ड इन दिस होल वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बट ओनली ड्यूरिंग द समर सीजन यू कैन कम एंड यू कैन सी दिस व्यू, क्योंकि जो पानी का लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी एबल टू कम ओवर हियर एंड विजिट दिस प्लेस। तो अभी आप देख सकते हो, सो ड्यूरिंग दी रेनी सीजन दिस चर्च गेट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन दी वाटर ड्यू टू दी हिमावती रिजर्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चर्च की जो भी दीवारें वगैरह किस तरह से बनाए हैं, तो एज यू कैन सी, बट स्टिल अभी भी यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा है, एज यू कैन सी ओवर देयर एंड यहाँ पर भी। सो once the months will pass on and when you will be in like month of April, May, so at that time so this water level will go much more lower and uski wajah se aap wo sab area wagar dekh sakte ho, even though now you can go over there but still the little of water over there it is there। So iske liye maine bola ki agar aap us time aate ho to you can get, so agar aapko iska jo hai view jo hai dekhna hai then you have to visit twice a year, once during the like month of June to September or October, and another is like from Feb till May। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि during the rainy season ये जो पूरा है वो submerged रहता है पानी में, so you can get to know about that view also, and this is the summer view what you can see right now। So this is the history of this। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं लोग, तो आई हैड जस्ट इंटरेक्टेड विद देम। तो
वहाँ पर भी वो लोगों ने थोड़े वगैरह फिशेस जो है वो कैच किया था, तो उन्होंने उनको दिया था. सो दे आर जस्ट क्लीनिंग द फिश एंड लेट अस गो एंड सी इफ वी गेट टू सी द फिशेस व्हाट दे हैव कॉट. वाह वाह, बात कर रहे हैं ना. क्यों नहीं और क्या वो अच्छा है, वो दिखा मच्छी. मुंडी डरी डरी वो दिखा मां बड़ी. ये कहां है मां मुंडी ने है मुंडी ने तो क्या बड़ी बता ना क्या कर ले रहे खिला दे ये क्या कर ले रहे वो चर्च का व्यू तो देख लिया यहाँ से, बट वी गोना गो ओवर देयर. तो वहाँ पर एक ब्रिज है, तो मैं आपको ब्रिज से व्यू दिखा दूंगा कि किस तरह से दिखता है ये चर्च. सो एज यू कैन सी दिस इज हाउ दिस चर्च लुक्स फ्रॉम दिस ब्रिज. So this is the bridge which I have shown you. So and that is the sunset. So यहाँ पर आप देख सकते हो bridge का view कैसा दिखता है. या जैसे कि आपने अभी जो है व्यू तो देख लिया था एंड इवन यू हैव सीन द सनसेट. तो आज के लिए बस इतना है इस ब्लॉग में. एंड दिस इज़ द शेटरली रोजरी चर्च जो मैंने आपको दिखा दिया है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलता हूँ मैं आपको एक अगले ऐसे एक वीडियो में. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. बाय बाय फ्रॉम शेटरली हासना.